हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा दैट ProTalent की तरफ से हम आपको मजेदार से 5 वर्ड्स पर डे दे रहे हैं और वहां पे हमने अभी तक 35 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ ऑन दिस 36th सेशन ऑनवर्ड्स टिल 40 वी आर गोइंग टू गिव यू गुड क्वालिटी यू कैन से टॉपिक वाइज वर्ड्स. ये टॉपिक वाइज वर्ड्स मिलेंगे. आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज के बारे में. ओके, चलिए 5 वर्ड्स देखते हैं. पहला वर्ड उसके अंदर आ रहा है which is called anthropology. Okay, so I'm sure you know what is anthropology. Dhyan rahe, is particular, you can say, naye structure ke andar, we have ensured that there is an example given here, then there is a meaning given, there is a synonym, there may be antonyms, if there is a need, and then the usage type is given. Okay, chaliye, great. So anthropology mein root word hai anthropos. Anthropos ka matlab hota hai mankind. Okay, क्या मतलब होता है mankind. Logy is a study. Okay, so what is it? It is a study of human being, mankind, especially by their origin, development, possibly about customers, belief, or sometimes customs. Okay, so this is what the anthropology is. By examining past societies, those learned in anthropology believe that they can solve world's issue today. आज के जमाने के जो world के problems है उसको वो solve कर सकते हैं. ठीक है, उसके synonym क्या है? Sociology हो गया, civilized हो गया, creatural हो गया, mortal, archaeology, ethnology, ये सब word उसके साथ connected है. बहुत positive word है, neutral word है, आप उसको अपने तरीके से use कर सकते हैं, provided there is a connection which is happening. So when we talk about anthropology, how can we forget about Harappan संस्कृति? हड़प्पा की जो संस्कृति है हम उसको मिस नहीं कर सकते. हड़प्पा जो बहुत सालों के बाद ढूंढा गया था एंड इट टर्न आउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. वहां पे रोड होते थे, वो 90 डिग्री पे मिलते थे, ड्रेनेज लाइन हुआ करती थी. ठीक है, जो घर हुआ करते थे दे हैड ओपन डोर पॉलिसीज और सब कुछ पत्थर और से मिट्टी से बना हुआ था. हड़प्पन संस्कृति, हड़प्पा आज की तारीख में पाकिस्तान में है. हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये सब उसके साथ कनेक्टेड है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट यू कैन से स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एप टू द करंट मैन, इट इज आल्सो नोन एज एंथ्रोपोलॉजी. सो एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या क्या वर्ड हमने देखे? वन इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी. फोकलोर, फोकलोर का मतलब होता है एक जमाने की दंत कथा. ठीक है, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी. सिविलाइज, क्रिएचरल, मॉर्टल, समथिंग विच इज रिलेटेड टू मॉर्टल, मतलब something which is a living being. Then there is a word called archaeology. एक तरीके की study होती है जो पुरातत्वविद बोलते हैं, मतलब पुराने जमाने की जो चीजें हैं उसको proper study करके बताते हैं. ठीक है, ये और ethnology होती है, that is ethnic की study होती है. हिंदी में उसको नृविज्ञानी बोलते हैं, मानव विज्ञानी बोलते हैं और मानव विकिविद बोलते हैं. So total 9 word हमने देखे. And we go to the next word called jurisprudence. Jurisprudence is a theory of philosophy of law or a legal system. ठीक है, बहुत मजेदार सा वर्ड है. That is called theory of philosophy or a legal system. ठीक है, उसके सिनोनिम क्या है? ठीक है, उसके सिनोनिम देखेंगे तो कोई केस होगा, कोई एक्ट होगा, कोई लॉ होगा. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मेजर, वारंट, समन, केवियट, ये सब उसके साथ कनेक्टेड है. ठीक है, एंड एंटोनिम क्या होंगे उसके? डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया, ट्रांसग्रेशन हो गया, लॉलेसनेस हो गया. ध्यान रहे ये कोई डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है उसके. ओके, ठीक है, ये कोई डायरेक्ट उसके एंटोनिम नहीं है. द कोर्ट एंड ट्रायल सिस्टम यूज्ड टू एडमिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस इज एन एग्जांपल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस. ज्यूरिसप्रूडेंस का एग्जांपल है कोर्ट, लीगल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक तरीके का उसको ज्यूरिसप्रूडेंस बोलते हैं. और ये ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड on what philosophy the law is working. भारत जैसे देश में लॉ की फिलोसॉफी बहुत मजेदार है. मनु जो एक साहब थे जिन्होंने लॉ के कोड लिखे थे, तो भारतीय फिलोसॉफी के अंदर ऐसा माना जाता है that हमें क्राइम को खत्म करना है, ना कि क्रिमिनल इन द सेंस कि आदमी को खत्म नहीं करना. ठीक है, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि that someone
who has been acquitted in some criminal case, okay, that person can also has a right to become a judge. Okay, so that's how the jurisprudence philosophy develops. Okay, so jurisprudence is a justice in terms of, you can say, legal and philosophical based jurisprudence. This is how the idea is. Or hamare India mein law banane ki zimmedari in logo ke haath mein, they are called legislature. Bharat mein law banane ki zimmedari kiske haath mein? Legislature. Judiciary ke haath mein kya hai? Law ko interpret karna. Aur executive ke haath mein kya hai? Law ko execute karna. Okay, so this is what you should remember. So jurisprudence is a case covenant bolte hain, dharma shastra, nyay shastra, rajniti, vidhi shastra, ye sab alag alag tarike ke word hai. Aage humne 9 word dekhe aur ye sab aapke samne 18 words hai. Dharma shastra hai, nyay shastra hai, uske milakar total humne 27 words dekhe. Theek hai, aage badhte hain. Agla word hai, which is called egalitarian. Egalitarian ka matlab hota hai the principle that everyone should have equal rights or equality. Okay, this is called equality. Okay, equal hona, democratic hona, impartial hona, equitable hona, just, even-handed hona, unbiased hona. Opposite kya banega? Elitist hona, snobby hona, matlab biased hona. Okay, a law was written to impose egalitarian principle that man and women should be treated as equal. Gandhi ji ne likha tha that I wish that India should become egalitarian. Or egalitarian India is a very critical goal. Egalitarian India mein uniform civil code aa sakta hai. Egalitarian India mein jo section 377 of IPC nikal diya wo uska part ho sakta hai. Egalitarian India mein section 497 of IPC nikal diya, ye sab chalega. Section 497 is adultery, usko criminal cases mein hata kar usko gender neutral karne ki baat ho rahi hai. 377 mein LGBTQ community ke logo ko same right dene ki baat ho rahi hai. That is called egalitarian India. Dhyan rahe, ye egalitarian word jo bhi hai, now that is connected to equality, which is, for example, aapne ek word dekha hoga, communism. Theek hai, kya word hai? Communism. Communism mein everyone is considered to be equal. Sab logo ko equal mana jata hai, sab communes mein rehte hai. Theek hai, so that is how equality is. Theek hai, kabhi kabhar ye equality wali jo cheez hai na, wo kabhi disintegrate ho jati hai aur equality rehti nahi. Ab ye jo egalitarian idea hai usko samajhna hai ki kaise society mein really implement hota hai. Theek hai, aur kahan pe wo disintegrate hokar uska meaning badal jata hai. Aisa jo bhi word hota hai, us matlab aisa jo bhi idea hai, agar wo aapko acche se samajhna hai, to ek bahut mazedar si book hai jiska naam hai The Animal Farm by George Orwell. Okay, George Orwell. Mere hisab se ye aap pad sakte hain aur bahut achhi kitab hai. You will understand how the demand of egalitarian will get converted into inequality. Theek hai, ek aur bhai sahab hai jo equality aur inequality ke upar likhte hain, bahut likhte hain, and unka naam hai Thomas Piketty. Okay, unhone bahut achhi si cheezon ko likha hai ki bhai kis tarike se ye inequality duniya ko barbaad karti hai, kya karan se inequality aati hai aur itne saalon mein inequality kaisi rahi. So that is how the, you can say, egalitarian is. So this is equality, this is equity. I'm sure you know a difference between equality and equity. Equity matlab kya ho gaya, sab logo ko same quantity ki cheeze milegi, that is called equity. Equality, everyone has a right, everyone will be treated equally. Fir us bande ki capability hai ki wo kitna acha usme se kar sake. Ye bahut classic sa photograph hai. ठीक है, ये नेट पे बहुत रेगुलरली मिलता है जब इक्वालिटी और इक्विटी की बात होती है. इक्वालिटी में सबको सेम तरीके का जगह मिला, अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है. व्हाइल इक्विटी इज समटाइम्स मे बी कंसीडर्ड एज एन अफर्मेटिव एक्शन. ओके, ताकि कोई लोग अगर सही तरीके से अपनी चीजों को ना कर पाए, ठीक है, तो उनको एक एडिशनल सपोर्ट मिलता है. जैसे विमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, उन लोगों को ये सपोर्ट मिलता है. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, वी आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट, you can say, section 377 of Supreme Court, जहाँ पे लोगों ने बहुत protest किया था. Okay, so total हमने यहाँ पे 11 words देखे, that is egalitarian, equal, democratic, impartial, equitable, just, even-handed, समतावादी, समानवादी, समानतावादी, पक्षपातहीन, भेदभावहीन, ऐसे word बनते हैं
और उसके अपोजिट वर्ड देखे आप, एलिटिस्ट, स्नॉब एंड स्नूट। टोटल मिलाकर अभी तक हम टोटल 38 वर्ड्स देखे हैं। ये सब शब्द याद रखना, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट राइट नाउ। ओके, इसी के साथ हम कंडक्ट करने वाले हैं। अगला वर्ड है एफर्मेटिव एक्शन। क्या वर्ड है? एफर्मेटिव एक्शन। इट इज एक्शन फेवरिंग दोज हु टेंड टू सफर फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, विच इज उनके फेवर में जो लोग डिस्क्रिमिनेटेड हुए हैं उनके फेवर में कुछ चीजें करना, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, रिजर्वेशन देना, विमेन को देना, SEBC के लोगों को देना, चिल्ड्रन के ऊपर अलग तरीके से लॉ लगाना, दैट इज कॉल्ड एफर्मेटिव एक्शन। गिविंग अ फेयर ट्रीटमेंट, गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना, इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ फेयर काइंड ऑफ वर्ड, फेयर शेक, इवन ब्रेक, इस तरीके के सिमिलर वर्ड बनते हैं। ठीक है, एफर्मेटिव एक्शन वॉज मेंट टू रिड्रेस द बैलेंस फॉर माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज को प्रॉब्लम होता है उसको बैलेंस करने के लिए एफर्मेटिव एक्शन लिया जाता है। उसके एंटोनिम्स रहेंगे स्टेबिलाइजेशन, क्लोज, एबॉलिश करना, कॉन्फाइन करना, इनएक्शन करना, दिस इज ऑफ द एफर्मेटिव एक्शन के अपोजिट। बट हालांकि कोई बहुत स्पेसिफिक वर्ड नहीं है एफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ। आप ये बोल सकते हो कि रिजर्वेशन देना या कोई चीज को क्लोज बाउंड रखना, ऐसे वर्ड आप उसके लिए यूज कर सकते हो। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। एफर्मेटिव एक्शन में इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात नहीं है। ठीक है, एफर्मेटिव एक्शन में अगर कोई बंदा, अगर उसके पास ज्यादा बेनिफिट नहीं है तो उसको कुछ सपोर्ट कर इक्वल बनाने की बात है। ठीक है, ब्लैक और व्हाइट के बीच का जो डिफरेंस है उसको एबॉलिश करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ब्लैक्स अगर सही तरीके से रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उनको सपोर्ट करना, दैट मीन्स उनको एक रिजर्वेशन देना, दैट इज कॉल्ड एफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, भारत में रिजर्वेशन के खिलाफ बहुत हल्ला होता है और यही रिजर्वेशन, ठीक है, जो बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, जो बातें हो रही है, ये रिजर्वेशन की बातों को बोला जाता है एफर्मेटिव एक्शन। दिस 15 वर्ड्स विच वी हैव डिस्कस, अभी तक मिला जुलाकर टोटल 53 वर्ड्स हो गए। सकारात्मक कार्यवाही करना, सो ये सब वर्ड हम आगे देख चुके हैं, उसी का यहाँ रिविजन हो रहा है। ठीक है, तो आप देखें, इट इज कॉल्ड एफर्मेटिव एक्शन, गिविंग अ फेयर ट्रीटमेंट, गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, गिविंग लिमिटेड चॉइस, है ना, फेयर शेक, फेयर होना, दैट इज ऑफ द वर्ड वुड बी अपोजिट, ये सब उसके वर्ड्स बनेंगे। एंड दिस इज अवर 5th वर्ड कॉल्ड शोविनिज्म। ये हमने वर्ड देखा था आगे, शोविनिज्म, दैट इज एक्सेसिवली प्रेजुडाइज इन सपोर्ट ऑफ वंस ओन ग्रुप और वंस ओन, यू कैन से, कॉज और वंस ओन सेक्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड शोविनिज्म, जहां पे बोला जाता है मैन शोविनिज्म। ओके, मैन शोविनिज्म, मैन शोविनिज्म का मतलब होता है मैन फील दैट दे आर सुपीरियर देन द वुमन। ओके, अनबायस करना, दैट इज एंटोनिम फॉर दैट। वेल, सिनोनिम देखे, जिंगोइज्म, बहुत ही मजेदार सा वर्ड है जिंगोइज्म, मतलब एक्सट्रीम लेवल की पेट्रियोटिज्म, मतलब पीपल आर रेडी टू किल अदर्स फॉर योर ओन नेशनलिटी, एक्सेसिव पेट्रियोटिज्म बोलते हैं, सेक्टेरियनिज्म बोलते हैं, आइसोलेटिज्म बोलते हैं, जेनोफोबिया इज अ फियर ऑफ फॉरेनर्स। ओके, इट इज कॉल्ड फियर ऑफ फॉरेनर्स। ठीक है, ये बन सकता है उसके जैसा सिमिलर वर्ड। ठीक है, सो दिस इज ऑफ द शोविनिज्म इज, नाउ दिस इज शोविनिज्म, दिस इज मैन टू द लेफ्ट बिकॉज वुमेन आर ऑलवेज राइट। तो एक तरीके से ये शोविनिज्म की बात है कि दे आर टॉकिंग अबाउट दैट सम पर्टिकुलर सेक्स, सम पर्टिकुलर जेंडर इज ऑलवेज राइट। सो टोटल मिलाकर हमने 8 वर्ड देखे यहाँ पे, शोविनिज्म वर्ड देखा, बहुत काम का वर्ड है ये ध्यान रखिएगा, जिंगोइज्म, एक्सेसिव पेट्रियोटिज्म, जेनोफोबिया, रेसिज्म, सेक्टेरियनिज्म, इस तरीके के वर्ड है। ठीक है, तो ये उसके साथ हिंदी के वर्ड बनते हैं। चलिए, ग्रेट, सो दिस आर द टोटल 5 वर्ड्स वी हैव डिस्कस। नाउ विद दिस 5 वर्ड्स लेट्स गो एंड टॉक अबाउट क्वेश्चंस ऑन दिस। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक। द ट्रेडिशनल बिलीफ इज व्हाट, व्हाट इज अ ट्रेडिशनल बिलीफ? ट्रेडिशनल बिलीफ इज आर्कियोलॉजी? नो। ट्रेडिशनल बिलीफ इज एंथ्रोपोलॉजी? नो। एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ओके, आर्कियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ पुराने जमाने की आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड फोकलोर, एक तरीके का फोकलोर बोलते हैं उसको, विच इज कॉल्ड पुरानी मान्यता। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही नजदीक का ये क्वेश्चन है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड
in addition to reviewing cultures, the field of blank also examines societal and physical attributes that comprise communities. So apart from culture ko review karna, ye ek aisa study karta hai jo societal aur physical attribute ko bhi study karta hai, and that is called anthropology. Okay, that is called anthropology. Next word is called synonym, called excavation. Excavation synonym dhoondna hai aapko, theek hai, excavate karna hai koi cheez ko zameen mein se nikal kar uski study karna, that is called archaeology. Kya bolte hai isko? Archaeology. Next question is jurisprudence. Now what is jurisprudence? Jurisprudence is a philosophy about law. It's about legal system. Okay, so legal system ho sakta hai, caveat ho sakta tha, theek hai, but better word is a legal system. Philosophy is not just a jurisprudence. Jurisprudence is a type of philosophy. So answer hona chahiye aapka legal system. I hope this is very clear. Coming to the next question is, and agree by lease, deed or other legal contract is called, theek hai, koi cheez ka agreement hona, and which is by likh kar deed hona, ya aisa koi bhi legal contract hona, that is basically a part of a jurisprudence. Okay, it is called jurisprudence. Antonym chahiye hame yahan pe transgression ka, transgress karna, uska hame antonym chahiye. Transgress karna, theek hai, which means koi tarike se law ko cross karna. Okay, so opposite kya hoga uska? Constitution, which is called structure. Okay, which is called structure. Chaliye, great. So with this I close this particular module. I hope this last 5 sessions will be, we can say, you will like it, they will be useful to you, and possibly ye naya method hai wo aapko madad karega. So with this I am closing this particular module. Do not forget to share this video, to like this video, put your comments whether you liked it or not. And one more important thing, agar aapko lagta hai ki aapne bahut acche se ek ppt banayi jo isi tarike se koi particular topic ke 5 words lekar, agar aapne isi tarike se uske synonym, antonym, usage tips, uske sath acche acche examples ke photograph agar aapne lagaye aur aisa aapne kiya, aur wo aap mujhe hai na email kar sakte hain. This is at protalentdigital.com. आप वहां पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है? ये आपकी पीपीटी, आई विल यूज इट एंड आई विल शो इट टू एंटायर कंट्री. वहां पे आपका नाम लगाकर ये मैं पीपीटी सब लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. सो इन केस यू कैन प्रिपेयर अ पीपीटी ऑन दिस, इट इज अ गुड आइडिया दैट यू कैन पिक अप सर्टेन टॉपिक, उस टॉपिक के साथ 5 वर्ड्स लिखकर इसी फॉर्मेट में, इसी तरीके से आप पीपीटी बनाइए. फॉर्मेट में बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, वी विल मॉडिफाई दैट फॉर्मेट, ठीक है? पर आप अच्छा सा कंटेंट उसमें डेवलप करें. आई विल नीड क्वेश्चंस आल्सो. ओके, तो ट्राई करते हैं, आप अगर कर पाए इट विल बी ग्रेट, ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके. ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट.